सिटी न्यूज झारखंड वप्पा है झारखंड की तमाम खबरें। पलामू में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य द्वार पर एनएचएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सर डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष सर डीपीएम ने कहा कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कर्मचारियों को न्याय मिलनी चाहिए, समान काम के बदले समान वेतन के भी एनएचएम कर्मचारी हकदार हैं, इसलिए एनएचएम के तहत कार्यरत हर एक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा अस्थायी की जाए। उन्होंने कहा कि मांगे पूर्ण नहीं होने तक कर्मचारी हड़ताल पर ही रहेंगे। संघ के प्रमुख मांगों में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्ती निरस्त करने, पूर्व हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को वापस लेने, पूर्व की भांति तमाम एएनएम एलटी कार्यक्रम प्रबंधक चिकित्सा पदाधिकारी आदि के लंबित मानदेय व प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने, एएनएम कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, एनएचएम कर्मचारियों को ईपीएफ एवं हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देने व हर वर्ष 10% मानदेय वृद्धि करने आदि प्रमुख मांगे शामिल है। धरना में प्रदर्शन कर रहे प्रमुख लोगों में अनिल खजूर, शहरी डीपीएम सुखराम बाबू, डीडीएम शशिकांत तिवारी समेत काफ़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। झारखंड राज्य एनआरएचएम कर्मचारी अनुबंध संघ के माध्यम से आह्वान राज्य स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक पर हम लोग जिला में सभी जिलों पे ये एनएचएम कर्मियों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। ये कार्य बहिष्कार जो है किसी इंडिविजुअल एक पलामू जिला में नहीं हो रहा है, ये सारे जिलों में 2400 जिला में हो रहा है। इसके मुख्यतः बहुत सारे मांगे हैं और जो झारखंड राज्य में एनएचएम के तहत में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय पे काम कर रहे हों, चाहे वो जिला स्तर पे काम कर रहे हों, चाहे वो प्रखंड स्तर पे काम कर रहे हों, या चाहे वो स्वास्थ्य उपकेंद्र पे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत दिनों से बहुत जायज मांगे रही हैं। उन मांगों को सरकार के पक्ष के समक्ष बार बार रखा जा रहा है और उस पर उचित निर्णय नहीं होने के कारण कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार करने की ज़रूरत पड़ी है। एनएचएम के तहत में मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एनएचएम की जो पॉलिसियाँ हैं इसमें कुछ हम लोग को सुधार की आवश्यकता है। कुछ मांग हमारी आप लोग के माध्यम से सरकार से है कि जो लोग एनएचएम के तहत में काम करते हैं ये लोग स्वास्थ्य के कर्मी हैं और स्वास्थ्य के कर्मी को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुँचाए और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करें। इसके लिए हमारे एएनएम दीदी से लेकर सहिया से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी तक इन्वॉल्व हैं और उनके माध्यम से ही ये काम गाँव लेवल तक पहुँच रहा है। लेकिन इन गाँव लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जो 5 साल से काम कर रहे हैं, जो 8 साल से रहे हैं, उनकी बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। जैसे एक सिंपल उदाहरण से हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे एनएचएम के कोई भी कर्मियाँ डिलीवरी कराने के लिए, आप एनएम दीदी रह रही है गांव में रह रही है, उसके बाद डिलीवरी कराना है, संस्थागत प्रसव कराना है, इम्यूनाइजेशन कराना है, डिलीवरी आपका टीकाकरण कोविड टीकाकरण करना है, तो ये सब कामों के लिए वो बार बार स्वास्थ्य उपकेंद्र आना जाना कर रही है। इसी बीच में किसी एनएम दीदी का अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उसको एक्सीडेंटल का 1 रुपया नहीं देती है। उसके पास कफन भी खरीदने के पैसा नहीं है, उसको किसी से मांग के किसी से सहारा लेकर ही अपना काम करना है। दूसरी बात है कि इतने दिनों में इनका बहुत सारे कर्मियों का जीपीएफ ईपीएफ नहीं कट रहा है, जिसके कारण से उन कर्मचारियों में रोष है। तीसरी बात है कि इसमें एचआर की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कितने दिन छुट्टी है, छुट्टी का तो प्रोविज़न है लेकिन इसके अलावा भी और भी कर्मचारियों को जो सुविधा होती है उसके लिए जो नीति धारण होता है, कभी भी कर्मचारी को किसी कारण से इतने दिन तक काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन अगर एक दिन किसी कारण से कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लेकर उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये टर्मिनेशन की जो पॉलिसी है ये सडन में हो जाती है, जबकि उन्होंने 10 साल तक का सेवा दिया, 15 साल का सेवा दिया। कोई भी कर्मचारी ने जो 10 साल अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड के रूप में व्यतीत कर दिया उसको आप एक निर्णय पर हटा दे रहे हैं तो उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका परिवार कहाँ जाएगा जिसका वो भरण पोषण कर रही है। तो उसके लिए सरकार की कोई पॉलिसी तय नहीं है।